ओम शांति। आज आपका 129वें दिन का ईश्वरीय वरदान। और आज के वरदान में परमपिता परमात्मा हमें पतित से पावन कैसे बनाते हैं और उसके अंदर हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़ता है, किस तरीके से अपने आप का बचाव करना पड़ता है, उसके बारे में बाबा हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम ज्ञान सूर्य बन करके रहें ताकि हमारे अंदर जो कमी कमजोरियाँ हैं वो निकलती जाएँ और हमारे अंदर जो युद्ध चलता है अच्छाई और बुराई का, देह अभिमान का और आत्माभिमान का, उसमें हम ज्ञान सूर्य बन करके विजय पाएं। तो देखें आज का वरदान बाबा कहते क्या हैं। बाबा कहते हैं, सर्व आत्माओं के पतित संकल्प, सारी भी जितनी भी आत्माएं आप जिनको आप मिलते हैं पूरे दिन भर में, उनके अंदर कुछ इम्प्योर थॉट्स चलते हैं आपके बारे में, और वो सारी आत्माएं चाहे यहाँ बैठी हों चाहे बहुत दूर भी बैठी हों, उनके इम्प्योर थॉट्स आपके बारे में, आपसे, आपके प्रति, वो आपको इफेक्ट करते ही करते हैं। तो परमात्मा उसके लिए हमें आज एक तरीका बताते हैं अपनी सेफ्टी का। सर्व आत्माओं के पतित संकल्प व वृत्तियों, मतलब उनका अगर एटीट्यूड आपके प्रति अगर प्योर नहीं है, को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। अब मास्टर ज्ञान सूर्य कैसे बनते हैं वो परमात्मा हमें समझाते हैं। देखें विस्तार में बाबा कहते क्या हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से किचड़ा, कोई भी अगर कोई कीचड़ होता है उसको आप जला सकते हो, एक लेंस रख दो तो सारा का सारा कीचड़ जल जाएगा, या वो पेपर जल जाएगा, या वो कचरा जल जाएगा। गंदगी के कीटाणु भस्म कर देता है, जो गंदगी होती है उसके भी कीटाणु, जो वायरसेस होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं सन की रेस से, सूर्य की किरणों से। ऐसे जब आप मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर कोई भी पतित आत्मा को देखेंगे तो उनका पतित संकल्प, पतित वृत्ति व दृष्टि भस्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए ज्ञान सूर्य बनना बहुत ज़रूरी है। अब सूर्य के अंदर किरणें कैसे आती हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं गैसेस के, तो जो गैसेस के जो रिएक्शन होते हैं वो अगर रुक जाएं तो सूर्य भी किरणें नहीं दे पाएगा। तो परमात्मा कहते हैं हमारे मन बुद्धि के अंदर भी ज्ञान के रिएक्शन, मतलब ज्ञान के पॉइंट्स सदा चलने चाहिए। जहाँ ये रुक जाते हैं वहीं पर माया अटैक करती है और वहीं पर हम गिरना शुरू होते हैं। तो हमारे अंदर प्योरिटी के अगर थॉट्स रहेंगे, परमात्मा जो हमें ज्ञान दिया हुआ है, जो बातें बताई, जो पॉइंट्स अगर चलते रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो अंदर की प्योरिटी है वो चारों तरफ फैलेगी, और उस प्योरिटी के कारण और आत्माओं का हमारे ऊपर प्रकोप नहीं होगा, चाहे वो हमारे पिछले जन्मों के या पिछले कर्म जो हैं, जो अपवित्र कर्म किए हमने, उसका भी असर हमारे ऊपर इस तरीके से बच सकता है। लेकिन उसके लिए मुझ आत्मा को ज्ञान सूर्य बनना है, मतलब आत्मा के अंदर ही मन बुद्धि संस्कार हैं जो हमने सीखा है ब्रह्म कुमारीज में। और अगर आत्मा ही सारे वाइब्रेशंस फैलाती है अपने मन के अंदर, जो संकल्प चल रहे हैं, बुद्धि के अंदर जो विचारों का चल रहा है भाव, तो वो सारी चीज़ें परमात्मा कहते हैं उसको आप ज्ञान सूर्य होकर के उसको हटाओ, कीटाणु को। पहले अपने अंदर के कीटाणु हटेंगे तब जाकर के तो और आत्माएं हमारे अंदर कीटाणु नहीं देखेंगी और हमारे साथ वो आकर्षित नहीं होंगी आप पवित्र तरीके से। तो बाबा कहते हैं इसको और आगे, पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। अगर मैं पतित पावनी आत्मा हूँ तो मेरे ऊपर संकल्प वार नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ मैंने पतित पना शुरू किया, जहाँ मेरे संकल्प अपवित्र हुए, वहीं अटैक आ जाता है, वहीं पर सारी आत्माओं का प्रकोप चल जाता है। और यही नहीं, आप जिन जिन आत्माओं के साथ में आपका हिसाब किताब हो, सारी आत्माओं के संकल्प आपके ऊपर हावी होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी एक प्रोटेक्शन, आपका एक कवच वो हट जाता है। तो परमात्मा कहते हैं पतित पावनी आत्मा पर पतित संकल्प वार नहीं कर सकता। पतित आत्माएं पतित पावनी पर बलिहार जाएंगी, जो इम्प्योर थॉट्स वाली आत्माएं होती हैं, या तो वो दूर हो जाएंगी आपसे, या तो किनारा कर लेंगी, या तो आपकी बातें सुन करके, आपकी प्योरिटी की वाइब्रेशंस को फील करके वो बलिहार जाएंगी कि यही सच्चा रास्ता है, यही सुख शांति का तरीका है, क्योंकि प्योरिटी ही पीस और प्रॉस्पेरिटी का एकमात्र तरीका है। तो फिर बाबा कहते हैं इसके लिए माइट हाउस अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य स्थिति में सदा स्थित रहो। माइट हाउस, माइट मीन्स पावर, पावरफुल हाउस, तो जो पावर हाउस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो इसी तरीके से हमें भी आत्माओं को, हमें ये ज्ञान की बातों को बार बार मनन चिंतन करना, अंदर बॉक्सिंग चलती है मन के अंदर, तो जो बॉक्सिंग चलती है मन के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच में, उसमें अगर अच्छाई के संकल्प ज़्यादा होंगे तो बुराई के संकल्प उसके सामने गिर जाएंगे खा करके बॉक्सिंग। तो परमात्मा कहते हैं उसके लिए दिन भर अपने आप को
अपने अंदर, अपने मन और बुद्धि के अंदर ज्ञान के संकल्पों का रिएक्शन करते रहो, केमिकल रिएक्शन अंदर चलना चाहिए, ताकि इस केमिकल रिएक्शन से कोई भी पतित वाइब्रेशन, कोई भी इम्प्योर वाइब्रेशन आपको इफेक्ट ना करे और आप सदा स्वस्थ रहें मन से और आप सदा सुखी रह पाए। तो पवित्रता मतलब पतित से पावन बनना ही सुख शांति की जननी या माता है। तो बाबा इसको कहते हैं अपने अंदर ये ज्ञान सूर्य, सदा काल के लिए सूर्य बने रहना, यानी कि आज आज जगे कल फिर से बुझ गए। अगर आपका सूर्य ऐसा हो जाए प्रकृति वाला, तो उसकी हालत क्या होगी, दुनिया की हालत क्या होगी, अंधकार छा जाएगा। तो उसी तरीके से प्योरिटी भी एक क्या है, प्रकाश है। तो परमात्मा चाहते हैं हम भी प्योरिटी को अपने अंदर बढ़ाएं, और वो कैसे आएगा, जब हम बाबा के ज्ञान की मनन चिंतन बढ़ाएंगे, तो जो हमारे अंदर मन के अंदर जो रिएक्शंस होंगे थॉट्स के, वो इस प्योरिटी को बढ़ाएंगे और हम ज्ञान सूर्य बन पाएंगे और हमारे अंदर से प्योरिटी की किरणें फैलेंगी चारों तरफ। तो आज का ये वरदान आपको सुख शांति का एक मार्गदर्शन देता है। आप सुखी रहें, आप शांत रहें और आप स्वस्थ रहें। इसके साथ ओम शांति।